इधर हमने लगा दिया नकर काकी, मिंट की चटनी डालेंगे थोड़ी सी। हर दफ़ा हमें काकी पिटिए और ये पीछे नकर बिलाई और ये हमारी बाइट सारी ख़राब कर रही है। ये समोसा बनाएंगे और ये देखें जी सालन भी है सब उम्र की आठ ना यार पेप्सी। और ये काकी को देखें, काकी ये देखो होती और बता गर्मी में ये सही है चटनी। और ये देखिए जल्दी है जल्दी चनिया चनिया सदा बादशाह इस समय गर्मी मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज दिन में जो एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर कीजिए और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। ओ भाई साहब क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं इंशाल्लाह। आज दिन में जो एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर कीजिए। अभी जाते हैं नीचे नाश्ता करते हैं, नमाज पढ़िए, परिंदों को भी खाना डाल दिया, पानी भी डाल दिया, रोटी भी छोटी छोटी करके टैंकी के ऊपर उन्होंने रख दी है। आ गए परिंदे भी, नाश्ता आ गया भाई साहब। नाश्ता करते हैं फिर जाते हैं अटक। अटक जाके आपको तो भाई साहब वो सामने अटक है। आज इधर से गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे जाएंगे, उधर से पैदल आएंगे और जो भी कच्चा रास्ते से वो कच्चा रास्ता यहाँ था संजवाल का एक तारीखी स्टेशन है वो भी आपको दिखाएंगे। वो सामने जो आबादी है वो और उधर से आएँगे तो आपको दिखाएँगे जो भी रास्ते में हुआ। ठीक अभी भाई साहब गंदम देखिए, मिट्टी कलर कह सकते हैं, गोल्डन कह रहे हैं। और ये व्यू गंदम का व्यू चेक करें। और ये हमारा अटक के साथ अवान शरीफ और इधर हमारा इलाका संजवार और वो थ्रेशर लगी है वो दिखाते हैं आप। और ये थ्रेशर खड़ी है ट्रैक्टर, इधर गंदम का जो पंजाबी में गाह बोलते हैं गाह हो गए और ये भूसा पड़ा हुआ है और गंदम निकल रही है। मेहनत किसानों की मेहनत का फल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गंदम की थोड़ी सी निकली है और सामने अभी देखिए कुछ रहती है, कुछ काटने वाली रहती है। और ये थ्रेशर मशीन है भाई साहब ज़बरदस्त। देखिए जी बेड़े माशाल्लाह इतने खूबसूरत माशाल्लाह, ये दुम्बे भी हैं और बकरियाँ हैं और ये हमारे खान भाई हैं बहुत प्यारे से, ये इधर अपने छाँव में बैठाए हुए हैं। उधर से गाड़ी भी आ रही है और ये सारी छाँव में बैठी हैं माशाल्लाह। और इधर से गाड़ी आ रही है, गाड़ी भी दिखाते हैं आपको। और ज़बरदस्त यहाँ से सामने वो मिस्त्री लगे, उधर से पानी पिया है, गर्मी बहुत सख्त थी, इधर रास्ते में रुके हैं। और बेड़े ये हमने देखे, चलो इनका क्लिप लेते हैं। और ये जी ट्रेन आ रही है तो और कितने समझदारी से जो है ना इन्हें नवाज़ दिया बेड़े साइड पे हो गए। ये देखिए पिंडी की तरफ जा रही है और माशाल्लाह से बैठे एक जगह पे भागी हैं, पर भाई ने उनको आवाज़ दिया, खान भाई ने उधर ही रोक दी हैं, सारी आराम से बैठ गए। पर ट्रेन का ख़तरा होता है, भाग के आगे ना चली जाए, ये ट्रेन तो रोक तो नहीं सकती भाई साहब, और ट्रेन के आगे भाग जाए तला ना करें नीचे आ जाए। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह सारे जो हैं गोट और बकरियाँ बकरे और जो बेड़े जो हैं वो उसमें थोड़ी सी हैं ज़्यादा बकरी बकरे हैं। और माशाल्लाह इधर रुके हैं, अभी आगे जा रहे हैं साथ साथ तो आगे जा दिखाते हैं। ये इनका पेश होता है, ये इस तरह कितनी माशाल्लाह खूबसूरत और जिस तरह ये बालों वाली बकरियाँ ये देखें कितनी प्यारी लोग। और आगे जाते हैं, आगे आपको दिखाते हैं, सामने से पानी भी है, पानी पी के अभी आगे निकलते हैं। तब पीछे बेड़े वालों को मिले खान भाई थे और ट्रेन गुजरी है और हम जो अटक और संजवाल की हदूद में खड़े हैं, बिल्कुल जो आधा हाफ उसका ऐसा है 7 किलोमीटर बनता है, 3.5 पे खड़े होंगे। संजवाल में जो अजान हो रही है वो भी आवाज़ आ रही है और अटक में जो अजान हो रही है उसकी भी इधर आवाज़ पहुँच रही है। और ये गंदम कटाई कर रहे हैं वो सामने देखें, ये कटाई कर रहे हैं भाई साहब। और ये कच्चा रास्ता जाता है, बहुत प्यारा सी व्यू। वैसे तो रक्षे गाड़ियाँ जाती हैं, ये वैसे मैंने कहा आपके लिए इधर निकल आया हूँ तो यहाँ का क्लिप ले लें जो साइड साइड से जो रास्ता जाता है। सामने दरख्त के नीचे बैठे हैं, सारा सिस्टम लगा, वो सामने मशीन लगी हुई है, कटाई हो रही है भाई साहब। और इधर का तो ये थ्रेशर मशीन लगी है और ये बाजौर से भाई आए हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, इधर से डाल रहे हैं, वहाँ से आगे से भूसा निकल रहा है, वो दाने निकल रहे हैं, बहुत ही प्यारे सी व्यू। और इधर आवाज़ क्या पता मेरी आप तक आ रही हो, शोर बहुत है, ट्रैक्टर भी चल रही है, थ्रेशर भी चल रही है। और इधर से आपको व्यू दिखाते हैं इनका, इधर से जहाँ से ये निकल रहा है भूसा और
ये साथ में ये, और ये देखिए जी भाई साहब क्या माहौल बना हुआ है। भूसा इसका अलग हो रहा है, जिसको गाँव बोलते हैं पंजाबी में हम लोग, आप लोग भूसा बोलते होंगे, और क्या बता रहा बंदा अपनी ज़बान में बोलता है। उधर से सामने से गंदम निकाल रही है, ये देखिए इसके अंदर डाल रहे हैं और पूरी गड्डी डाल देते हैं, वहाँ से दाने निकल रहे हैं और ये ऐसा बैठे हैं। और ये तो ये भाई ये करोड़ों में डाल रहे हैं, ये नाप वाला सिस्टम होता है, ये डब्बा जो है 10 किलो का, इसके नाप करके इसमें अंदर डाल देते हैं, इसको अंदर वहाँ से निकलता है नाप करके इसमें डाल दिया, साथ साथ रख रहे हैं। और दूसरा देख रहे यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, और सब ये होता है ना अंदर चला जाता है, तो बाकी भाई साहब जो मैं खड़ा हूँ जरूर अंदर जा रहा है। और ये बहुत सा चक रहा है, फिर दूर देश के मैं आया हूँ भाई साहब, मैंने कहा आपको दिखाऊँ तो ठीक जाते हैं, वहाँ से मैं जा रहा था। और ये हमारे भाई हैं बाजौर से भाई आए हुए हैं यहाँ हमारे मेहमान हैं। और ये दरख्त के नीचे खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, ये कूलर है सर, इसके ऊपर गंदम रख के साया बनाया गया है, पानी है, पानी बहुत ठंडा मिलेगा। और इस गर्मी में क्या बात है इनकी, मज़ा आता है पानी पीछे, लस्सी वगैरह होती, लस्सी नहीं है पता की है, लस्सी होती तो और मज़ा आता है, ठंडा पानी बड़ा ज़बरदस्त। हम काट के रख दिए, और भाई साहब ये पीछे देख दिया था आपने जो हो रहा है गंदम का, जो ये थ्रेश लगी है, गाह बोलते हैं पंजाबी में, और दुनिया भी क्या बोलते हैं। और आपके लिए इधर धक्का खा रहा हूँ, पट्टियों में जलील हो रहे हैं, इसलिए कि आप भी देखें यहाँ तो ये चीज़ है, गांव में ज़्यादा होती है, ये शहर है और शहर में भी कम है, जो गांव का एरिया उधर ज़्यादा। भाई साहब उधर जाते हैं पानी ठंडा मिल गया, लस्सी वगैरह नहीं थी, गाँव में लस्सी होती है, बड़े मज़े का खाना, तो टाइम भी वैसे तो बहुत। ये था भाई पुराना स्टेशन, रेलवे स्टेशन बहुत पुराना और बड़ा ओल्ड स्टेशन है, किसी दौर में था, अभी आगे जाते हैं, आगे जाके बहुत पुराना स्टेशन है वो अभी ख़त्म हो गया। और ये देखें इधर भेड़े चल रही हैं अभी, और आगे जाते हैं, ये इधर हमारे खान भाई खेल रहे हैं, ये देखें ये कितने प्यारी सी कोई गेम खेल रहे हैं, ये हमारे खान भाई हैं सब, और ये खेल रहे हैं जी। और वो देखें आगे भी सारा है, ये कमरे पहले बने हुए थे और ये कमरे हैं सारे, अभी तो भेड़े हैं इधर खान भाई चढ़ाने आए हैं, और वो ले आए हैं भूसा लेके जा रहे हैं ट्रैक्टर पे, और उधर वो थ्रेशर जा रही है, ये कुछ कह रहे हैं, इधर भी हो रही है कटाई। ये हमारा संगवाल गैंड का एरिया आ गया सामने, वो जितना एरिया सारा संगवाल गैंड आ गया। अब ये मॉल चेक करें, भूसा रख के ऊपर बैठे हैं भाई, और ये सारा हो गया, और ये हमारा एरिया था ये अटक का ख़त्म हो गया, और हमारा शुरू हो गया। आखिरकार हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, वो कहाँ से चले थे शहर से, वो वहाँ से चले थे भाई साहब, वो उस जगह से, और इधर पहुंच गए, ये हमारा एरिया आ गया, वो जो ग्रीन ग्रीन है ना इसके साथ हमारा घर है, ये सफ़ेद टंकी वाला, और इधर पहुंच गए, आगे जाते हैं, ये पैदल रास्ता है, आज पैदल आए हैं, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त पैदल का सफ़र। और ये अभी हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए भाई साहब जी, आगे जाते हैं घर, खाना खाते हैं शाम को फिर, और जो और ये गैस बैठा है इधर, शोज़ा इधर सामने आए, शोज़ा इधर आओ, और ये शोज़ा बैठे हैं, आप लोगों ने खा लिया, और अब ये देखना मैं किस रखाऊंगा भाई साहब, ये नवा इधर बाइट लेते हैं इसकी, और ये सब्ज़ मिर्ची की भाई साहब ये देखें, वो ना करना हट ना यार, मैं तेरे साथ गुमस्ती करता हूँ तेरी बारी, और यहाँ चटनी से भी लगाएँगे, सालन भी बड़ा, थोड़ा सा सालन ही लगाएंगे, और ये बाइट लेंगे भाई साहब, ये हमने टेस्ट लगाया भाई साहब, बता दो यार बस भाई साहब, ये देखिए ये पेप्सी पी रहे हैं, पेप्सी पी रही है, ऊपर से चाय भी आ गई है, चाय पी रहे हैं, और ये ज़बरदस्त चाय, ओहो ज़बरदस्त मगरब का, और इतना ज़बरदस्त बादल बने हुए, इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया, आपको क्या बताएं, अभी उठे सो गए थे देखो भाई साहब ये चाय, ओए होए होए होए, ज़बरदस्त मौसम बनने वाला है, बारिश वाला, और अभी उठे